नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शानू मौर्या है और आप देख रहे हैं शानू मौर्या यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पर बात करने वाले कैबिनेट के बारे में, यहाँ पर कौन सी प्लाई की कैबिनेट बेस्ट होती है और किस में ज़्यादा बेस्ट निकलता है। यहाँ पर काफ़ी सारी प्लाई आ जाती हैं जो कि इंडिया में बहुत सारी हैं प्लाई हैं, कुछ बाहर की भी प्लाई हैं देश विदेश की, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी प्लाई में अच्छा बेस्ट निकलता है और कौन सा बेस्ट रहता है। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो लोकल प्लाई आती है, जो आप देख सकते हो काफ़ी सारी कंपनियाँ जो ये प्लाई आती हैं लोकल शोगल बहुत सारी कंपनियाँ आ जाती हैं। लोकल क्या, वो ओनली मतलब कि दरवाजे अदर भी काम के लिए होती हैं, बट कुछ प्लाई ऐसी आती हैं जो काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं और उसमें अच्छा बेस्ट निकालती हैं, और उस प्लाई का नाम बताने वाले हैं यहाँ पर। और एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर वो प्लाई से आप बनवाते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा, और आपको हम स्पीकर भी बताएंगे कि वो प्लाई से स्पीकर कौन सा बना हुआ है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप कैबिनेट ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत सस्ता और कहेंगे कि अच्छा दे रहे हैं, बट उसमें की जो प्लाई होती काफ़ी ख़राब प्लाई होती है। उतनी टाइम तो कुछ सही होता है, बट वो मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा 3-4 बार अगर बजा दोगे, 2-3 मान लो कि 6-7-8 घंटे लगातार बजा दोगे, तो वो जो प्लाई होती है फट जाती है, उसकी आवाज़ भी फट जाती है और बेस भी नहीं आता होगा। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे साउंड में कि जब आप नया नया खरीदते हो तो काफ़ी अच्छा यार बेस और सब देखने को मिलता है, बट उसे कुछ दिन यूज़ करने के बाद, 5-6-7-8 महीना 1 साल करने के बाद, वो जो आपका स्पीकर्स होता है वो कहोगे कि भैया हमारा जो स्पीकर है उसका दम ख़राब हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट उसमें आपका स्पीकर नहीं, वो आपकी प्लाई का दम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ पर हम किसी भी स्पॉन्सर नहीं किया गया इस वीडियो को। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो अच्छा चीज़ है उसी के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप अच्छी चीज़ें मतलब कि ख़रीदें जो मतलब कि काफ़ी अच्छा हो और एक क्वालिटी का हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिर्च प्लाई की। तो यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी देती है बिर्च प्लाई, और आपको बता दें कि यह जो बिर्च प्लाई है, बिर्च प्लाई से Beta 3 भी बनता है। आप देखे होंगे Beta 3 के जितने भी स्पीकर्स होते हैं और बेस होता है वो हमेशा बरकरार रहता है, लगभग 6-5-4-5 साल तो वो उसे बोलना ही नहीं उस प्लाई को, और जो अदर प्लाई होती हैं वो 5-6 महीने में ही बोल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। वो मान लो कि 5-6 साल तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप प्लाई का बनवाना भी चाहते हो बॉक्स या कुछ भी, तो आप बिर्च प्लाई बनवाइए, क्योंकि ये प्लाई महंगी आती है लेकिन टिकाऊ और अच्छी होती है। इसमें जब बेस होता है बहुत ही अच्छा निकलता है, जो वाइब्रेशन होता है। अगर दोस्तों अगर आप एक बेस बनवाना चाहते हो Dual 18 का, तो यहाँ पर आप बिर्च प्लाई ही यूज़ करना, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका जो बेस होता है काफ़ी अच्छा और तगड़ा, और वाइब्रेशन बहुत अच्छा और तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहिए शानू मौर्या यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।